नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं भास्कर। पंजाब की सियासत में जो कुछ चल रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ पर हालात ये हैं कि एक तरफ लंच पॉलिटिक्स होती है तो दूसरी तरफ उसके चंद ही दिनों बाद ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है और मुकाबला भी तगड़ा होता है। दरअसल लंच पॉलिटिक्स, डिनर पॉलिटिक्स के पीछे सिर्फ खाना खिलाना, दावत उड़ाना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं है। सारा प्रयोजन ये है कि अपना शक्ति प्रदर्शन किया जा सके। पहले अमरिंदर सिंह ने इस बात की कोशिश की कि वो खाना खिलाएं और उसके बाद शक्ति प्रदर्शन करें, और अब नवजोत सिंह सिद्धू जो नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं पंजाब में, बहुत मेहनत के बाद, बहुत लंबे इंतजार के बाद उन्हें ये पद अब पंजाब में मिल सका है। तो उसके बाद उन्होंने ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स की और जबरदस्त तस्वीरें नजर आई। एक बड़े से हॉल में कांग्रेस के तकरीबन 62 विधायक बैठे नजर आ रहे हैं जो सिद्धू के घर लंच के लिए पहुंचे थे। इशारा साफ है, जो अमरिंदर सिंह अब तक ये दावा कर रहे थे कि सिद्धू से ज्यादा विधायक उनके साथ हैं, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजिशन में हैं, वो अलग थलग नजर आ रहे हैं। और सिद्धू के साथ अब विधायकों का जो लंबा चौड़ा मजमा है वो झूठा जा रहा है। अमरिंदर सिंह इस दिल पे भी अड़े हैं कि पहले सिद्धू उनसे माफी मांगे, क्योंकि जिस वक्त वो आलाकमान से मिलकर लौटे थे उसके बाद से लेकर ये पद मिलने तक उन्होंने बहुत ज्यादा बयानबाजियां की। अपनी ही पार्टी के, अपने ही प्रदेश के सीएम पर आरोप लगाने से, उनकी खामियां गिराने से सिद्धू बाज नहीं आए थे। तो इस बात से अमरिंदर सिंह की नाराजगी इस कदर ज्यादा है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बावजूद अभी तक अमरिंदर और सिद्धू में मुलाकात नहीं हुई है। अमरिंदर साफ कर चुके हैं कि अगर सिद्धू माफी मांगते हैं तो वो सिद्धू से मुलाकात करेंगे। पर अब पासा उल्टा पड़ चुका है। पासे में अब जो है बिसात वो सिद्धू की ओर ज्यादा नजर आती है, क्योंकि अब विधायकों के सुर बदले हुए हैं। एक विधायक ने खुलकर कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को क्यों माफी मांगनी चाहिए, माफी अमरिंदर सिंह को मांगनी चाहिए जिन्होंने अभी तक वादे पूरे नहीं किए हैं। ये तमाम जो सियासी उथल पुथल चल रही है, सियासी आरोप प्रत्यारोपों का खेल चल रहा है, इसमें अमरिंदर स्ट्रांग होंगे या सिद्धू स्ट्रांग होंगे फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता। पर एक बात साफ नजर आ रही है कि इससे अगर कोई कमजोर होगा तो वो होगी कांग्रेस पार्टी, जिसको कितना नुकसान हो सकता है ये नजर आने लगा है। राजनीतिक विश्लेषक इसी विश्लेषण में जुटे हुए हैं। तस्वीर साफ है कि अगर दो बड़े नेता, एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और एक पार्टी का सीएम, वो अगर एक साथ होकर एक मंच पर नहीं आ पाए तो आने वाले चुनाव में कांग्रेस बिखरी ही नजर आने वाली है, और इसका फायदा बहुत नुकसान में होने के बावजूद बीजेपी को या किसी और अन्य दल को हो सकता है। और आप खास तौर से ऐसे ही किसी सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए पंजाब में मजबूत कदम रख चुकी है। तो अगर कांग्रेस अब चूकी तो शायद पंजाब हाथ से निकल जाएगा। नमस्कार।